गाइस आप सभी का स्वागत है GTA 5 के एक और गेम प्ले में। आपको तो पता ही होगा कि कैसे पिछली बार एक बड़े गोडजिला ने पूरे शहर पर हमला कर दिया था, जिसके बाद किंग कोंग आकर गोडजिला को जान से मार देता है। पर अचानक पता नहीं कहां से तीन तीन गोडजिला वहां आ जाते हैं, जिन्हें आप सामने देख सकते हो। आज मेरे को इन तीनों को मार कर इस शहर को तबाह होने से बचाना है। देखो बिल्डिंग्स की क्या हालत हो गई, इनके ऊपर तो बड़े बड़े ब्लास्ट हो रहे हैं। पहले मेरे को यहां से नीचे उतरना होगा। हियर वी गो। लेकिन मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा, इतने शांत क्यों खड़े? कहीं ये तूफान आने से पहले की शांति तो नहीं? गाइस मेरे को लग रहा है ये बिल्डिंग्स गिरने वाली है। अरे बाप रे यार, ये तो सच में गिर गई। अब आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि इस बार के गोडजिला कितने खतरनाक है। ओ माय गॉड, शायद उन्होंने मेरे को देख लिया। ये तो मेरी तरफ ही आ रहे हैं। ये हवा में कैसे चला गया? ये आज जरूर सब कुछ खत्म कर देंगे। इससे पहले कि ये मेरे को मारे, मैं यहाँ से भाग जाता हूँ। अब ये बंदर कहाँ से आ गए? यार ये दोनों तो वही है जिन्होंने मेरे को किंग कोंग बनाया था। चलो इनसे बात करते हैं। फ्रैंकलिन, तुझे वापस किंग कोंग बनकर गोडजिला को मारना होगा। पर मैं वापस से किंग कोंग बनूंगा कैसे? तुझे हम दोनों में से एक को खाना होगा। गाइस मैं चाहता हूँ कि किंग कोंग बनने से पहले आप जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा दो, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने पर ही मैं किंग कोंग बन पाऊंगा। चलो अब मैं इसको खाने वाला हूँ। यार ये तो काफी स्वादिष्ट है। अबे नहीं, मैं तो एक छोटा सा बंदर बन गया। गाइस मेरे को लगता है आप में से अभी तक काफी सारे लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, रिक्वेस्ट है जल्दी से कर दो। अब मैं इस दूसरे वाले बंदर को भी खा जाऊंगा। अरे बाप रे, देखो मैं कितना बड़ा हो गया। यार ये तो पहले से भी ज्यादा ताकतवर लग रहा है। चलो अब गोडजिला को ढूंढने चलते हैं। पता नहीं वो कहाँ पे होंगे, क्यों ना बिल्डिंग पे चढ़कर देखा जाए। यार ये तो कितने आराम से चढ़ रहा है। ओके तो गाइस मैं ऊपर पहुंच गया। अरे बाप रे, यार ये तो कितने ऊपर तक उछल रहे हैं। यार ये तो पागल हो गए, देखो कितने ऊपर तक उछल रहे हैं। चलो गाइस इनके पास में जाकर इनकी बैंड बजाते हैं। वाओ क्या लैंड किया, देखो ये पीछे से आ गया। पर ये तो अकेला है। ओए अब ये तो दो दो हो गए। इनकी तो ऐसी की तैसी, सालों को उठाकर मैं फेंक दूंगा। अब दूसरे वाले की बारी। अबे नहीं, उसने तो मेरे को दूर फेंक दिया। अबे जल्दी खड़ा हो। यार ये सभी तो मेरे को मिलकर उठा उठा के हवा में फेंक रहे। पहले मेरे को इनसे दूर भागना होगा, नहीं तो ये मेरे को मिलकर मार डालेंगे। अबे भाग भाग और तेज भाग। गाइस अगर आपने किंग कोंग की नई मूवी देखा होगा जिसमें उसके पास एक हथियार था, मेरे को वही ढूंढ कर लाना होगा, क्योंकि मैं उसी से गोडजिला को मार सकता हूँ। यार ये कितना ऊपर तक उछल रहे हैं। गाइस अब मेरे को टापू पर जाने के लिए इस समुद्र को पार करना होगा, पर मेरे को तैरना तो आता ही नहीं है, इसीलिए मेरे को बोट का जुगाड़ करना होगा। देखो गाइस मेरे को बोट मिल गई, पर इसे मेरे को खड़े होकर चलाना होगा। अबे सामने तो छोटी बोट आ गई। अरे भाई रास्ते से हट जा, ये तो गया काम से। अबे ओए ओए, मेरा बैलेंस बिगड़ गया, मेरे को इसको सीधा करना होगा। ओके तो गाइस हम आइलैंड पे पहुंचने वाले, बस यहाँ पर कोई गड़बड़ ना हो। चलो जल्दी से जंप कर देता हूँ। अबे मैंने ये क्या कर दिया, अब मैं वापस कैसे जाऊंगा? गाइस देखो सामने मेरा हथियार पड़ा है, चलो जल्दी से उठा लेते हैं। अब मैं इससे गोडजिला को मार डालूंगा। देखो इसकी साइज कितनी बड़ी है, मेरे को लग रहा है ये गोडजिला के शरीर के हिस्से से बना है। अब मैं एक लंबी जंप मारकर इस पानी को पार कर लूंगा। ये क्या, अब तो मैं पानी में भी तैर सकता हूँ। गाइस शायद इस हथियार के आने की वजह से मेरी पावर्स वापस लौट आई। देखो हम किनारे पर पहुँच गए। ये जगह तो मेरे को एयरपोर्ट लग रही है, पर यहाँ पर तो कोई है नहीं। ये अचानक मौसम को क्या हुआ? ऐसा तो गोडजिला के नजदीक आने की वजह से होता है। अरे बाप रे, इसने तो मेरे पे पीछे से हमला कर दिया। शायद इसको पता नहीं होगा कि मुझे मेरा हथियार मिल चुका है। अबे ओए, ये तो दो दो हो गए। सालो तुम तो गए, अभी कुछ नहीं हुआ। चलो हथियार को साइड में फेंक कर इनमें से एक को उठा लेता हूँ। अभी इसको सामने वाले गोडजिला पे फेंक दूंगा। चल निकल। चलो एक तो दूर गया। अब इस वाले को मारने के लिए मेरे को दोबारा से हथियार उठाना होगा। ले साले लात खा। अबे ये तो वापस आ रहा है, लगता है इसका अंत भी आ गया। अबे साले धक्का मारता है, तेरी तो ऐसी की तैसी। हो, लगता है ये मर गया। यार ये दूसरा वाला वापस आ गया, पर कोई फायदा नहीं, मैं इसको भी मार डालूंगा। चल बे पीछे हट, क्यों ना सामने वाला प्लेन उठाकर इसका सिर फोड़ दिया जाए। अबे क्या बच्चा, यार मेरा निशाना तो चूक गया। इस बार मैं फेंक कर नहीं बल्कि हाथों से मारूंगा। ये ले, बच गया, एक और ले, लगता है अब मर गया। गाइस अब मैं इसको पानी में दूर फेंकने वाला हूँ ताकि ये वापस लौट कर कभी ना आए। अबे नहीं, ये मेरे को कौन मार रहा है? गाइस लगता है आर्मी आ गई। जल्दी से हथियार उठा लेता हूँ, अब मेरे को इनका सामना करना होगा। इसको तो मैं फेंक के मारूंगा। और ये बूम, ओ माय गॉड, क्या शानदार सीन था। देखो कितने सारे मच्छर आ गए। इनको लग रहा था मैं इनको हवा में नहीं मार सकता। देखना इस वाले की तो मैं 6 लगाऊंगा। यार वो तो काफी दूर गया, देखो ये कितने सारे हो गए। ये ले,
एक और ले। गाइस अब मेरा निशाना देखना, देखा कितना कमाल का था। अब मैं इन मच्छरों को जल्दी से खत्म कर दूं और ये जमीन पर मौजूद कीड़ों को भी। गाइस मेरे को लग रहा है ये डर के भाग रहे हैं। देखो इन्होंने चोपर को मोड़ लिया। गाइस आखिर ये मेरे से दूर भाग गए। चलो अब शहर की तरफ चलते हैं, पर मेरे को पैदल में काफी टाइम लग जाएगा। क्यों ना हवाई जहाज से जाया जाए। ओ माय गॉड ये कितना क्यूट लग रहा है। गाइस अगर आपने किंग कॉन्ग के लिए अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दो। देखो मेरे को आखिरी गोडजिला मिल गया। चलो जल्दी से इसको उठा लेता हूँ। अब मेरे को इसको शहर से बाहर ले जाना होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हमारी फाइट की वजह से शहर को और ज्यादा नुकसान हो। ये जगह इसको मारने के लिए ठीक है। ओए ये तो मेरे को ही मार रहा है। अब मैं इसको ट्रेन के डब्बे से मारूंगा। ले साले एक और ले। अबे धक्का देता है। इस बार तो मैं इसको उठाकर ट्रेन के ऊपर फेंक दूंगा। अरे नहीं ना यार, चलो प्लेन के ऊपर ट्राई करते हैं। और ये बूम। ओ माय गॉड मैंने तो इसको मार डाला, पर ये मेरे साथ क्या हो रहा है। ओ माय गॉड मैं तो वापस से फ्रैंकलिन में बदल गया, जरूर इस बंदर की वजह से। अभी मेरे को ठीक कर। भाई तूने गोडजिला को मार दिया, अब हमें तेरी जरूरत नहीं, इसीलिए मैंने तेरी पावर छीन ली। अब तू तो गया काम से। आगे स्वाद। गाइस देखो ये कितना बड़ा था, पर मेरे हाथों मारा गया। यार ये किंग कॉन्ग का हथियार तो यही रह गया। इसके साइज देखो यार, इसको बेचने के बाद मैं काफी अमीर हो सकता हूँ। पर ये पीछे से आवाज कैसी है। अरे बाप रे, ये ड्रैगन जैसा दिखने वाला जानवर कौन सा है। इसके तो पंख भी है। ये क्या, ये तो तीन सिर वाला दानव है। गाइस अगर आप जानना चाहते हो कि ये दानव शहर में कितनी तबाही मचाएगा और मैं इसका सामना कैसे करूंगा, तो वीडियो को लाइक करने के बाद कमेंट बॉक्स में सेकंड पार्ट जरूर लिखें। और ऐसे ही शानदार वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब बटन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा।